हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वृक्षों में या पौधों में ब्रांचिंग पैटर्न के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस लेक्चर में हम वृक्षों या पौधों में वितान संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हर वृक्ष की या हर पौधे की अपनी एक विशिष्ट आकृति होती है या एक अलग शेप होती है जो वितान संरचना ही कहलाती है, और विभिन्न आकृति या वितान संरचना के कई कारण होते हैं। आज हम उन सब चीज़ों का इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करेंगे। प्राय जो वृहत आमाप के दृढ़ स्तंभ युक्त पौधे होते हैं उन्हें हम वृक्ष कहते हैं, जबकि जो छोटे होते हैं शूपिल उन्हें हम श्रब्स कहते हैं, जो कि छोटे आमाप के पौधे होते हैं। किसी भी वृक्ष की आकृति अन्य कारकों के अतिरिक्त उसके चारों ओर के वातावरण व अन्य पौधों पर भी निर्भर करती है। यानी किसी भी वृक्ष की जो शेप है वो कई कारणों के कारण होती है, यानी उसकी आकृति के कई कारक होते हैं या कई कारण होते हैं, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। परंतु उसके चारों ओर किस प्रकार के पौधे उगे हुए हैं या किस प्रकार के पौधे उपस्थित हैं या उसका चारों ओर के आसपास का वातावरण कैसा है, उसके आधार पर भी उस वृक्ष की आकृति निर्भर करेगी। उदाहरण स्वरूप, मेलास्टोमा, जो कि कॉमनली हम उसे रेड एक्सोरा कहते हैं, रेड एक्सोरा का स्तंभ घने जंगलों में बेलनाकार होता है, जबकि खुले स्थानों में यह शुभाब यानी बुशी या श्रब रूप में दिखाई देता है या श्रब होता है। दूसरा उदाहरण लेप्टोस्पर्मम नामक पौधे का है। यदि हम उसे अच्छी मिट्टी में उगाए तो इसका स्वरूप छोटे वृक्षों के समान होता है, परंतु यदि हम इसे बंजर भूमि में इसका आमाप अत्यंत छोटा दिखाई देगा या छोटा डेवलप होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वृक्ष की आकृति है वो विभिन्न एनवायरमेंटल कंडीशंस या फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा। वृक्षों की शाखाओं को दो भागों में विभेदित किया जा सकता है, यानी वृक्षों की जो ब्रांचेज हैं उसके दो पार्ट होते हैं। पहला है समीपस्थ यानी प्रॉक्सिमल एंड या समीपस्थ भाग वो है मोटा भाग जिसके द्वारा वह मुख्य अक्ष से जुड़ी रहती है, यानी जो टहनी मुख्य अक्ष से जुड़ेगी उसका आधारी भाग जो होता है वो मोटा होता है, और जैसे जैसे आगे की तरफ चलते जाते हैं तो वह भाग पतला होता जाता है। तो जो पतला ब्रांच का भाग है वह उसका लिम्ब कहलाता है, यानी जो लिम्ब है वह दूरस्थ भाग है जो अपेक्षाकृत पतला होता चला जाता है। वृक्षों की वितान संरचना निम्नलिखित कारकों पर निर्धारित होती है। पहला, मुख्य प्ररोह की वृद्धि किस विधि से होती है, यानी कि जो मेन एक्सिस है उसकी वृद्धि किस प्रकार है, यानी सिंपोडियल है या मोनोपोडियल है, उस तरह से उसकी वितान संरचना बनेगी। दूसरा, मुख्य अक्ष पर शाखाओं का क्रम क्या है, यानी ब्रांचेस जो हैं वो मेन एक्सिस पर किस अरेंजमेंट पर लगती हैं और वो ब्रांचेस जो हैं वो मेन एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही हैं या क्या कोण बनाती हैं, उस पर भी वितान संरचना आधारित होती है। जो ट्विग है यानी जो टहनियां हैं उनका क्रम तथा दिशा क्या है, यानी वो ऊपर की ओर जा रही हैं, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, वह भी वितान संरचना पर प्रभाव डालेंगी। जो दूसरा नेक्स्ट कारक है वह है टहनियों पर पत्तियां किस क्रम में व्यवस्थित हैं, यानी पत्तियों का अरेंजमेंट क्या है, वह भी वितान संरचना उसकी सुनिश्चित करेगा। और अंतिम जो कारक है वह है पर्ण फलक का आमाप, आकार व उसका ओरिएंटेशन। तो ये जो उपरोक्त कारक हैं वो एक वृक्ष की वितान संरचना को निर्धारित करते हैं। उपरोक्त कारकों में से शाखन जो है यानी ब्रांचिंग जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वृक्षों की वितान संरचना को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक जो है
वह है उसकी पत्तियाँ, यानी पत्तियाँ जो हैं वो उनका फिलोटैक्सी कैसा है, उसका ब्रांचेस में अरेंजमेंट कैसा है, वह भी वितान संरचना को डिसाइड करता है। तो जो दो मेन कारक हैं वितान संरचना के वो है ब्रांचिंग और दूसरा लीव्स का अरेंजमेंट। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर वृक्ष जो हैं उनमें विभिन्न प्रकार की वितान संरचनाएं पाई जाती हैं जिससे वो एक विशिष्ट आकृति ले लेता है। जो पहला है वह है गोल एवं शुपिल, यानी राउंड एंड बुशी जो वृक्ष है या कैनोपी स्ट्रक्चर है। गोल एवं जो शुपिल वितान संरचना वाले वृक्ष हैं उनमें मुख्य अक्ष जो होता है उसका शाखन जो है संधिताक्षी होता है, यानी सिम्पोडियल होता है, और इसमें शाखाएं एकांतर अथवा सर्पिल क्रम में विन्यासित होती हैं। और इसी प्रकार की व्यवस्था शाखाओं पर टहनियों की भी होती है। ऐसे वृक्षों में नीचे की शाखाएं लगभग क्षैतिज होती हैं जबकि ऊपर की शाखाओं का ओरिएंटेशन बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ होता है। शाखाओं व टहनियों के इस प्रकार के ओरिएंटेशन में पत्तियों की ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होना यानी ओवरलैप करना सबसे कम होता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है मैंगीफेरा इंडिका, यानी जो आम का वृक्ष है उसमें इस तरह की कैनोपी स्ट्रक्चर देखी गई है जिससे वह एक गोल एवं शुपिल दिखाई देता है। ये जो चित्र है वह मैंगीफेरा इंडिका का है जिसमें इस प्रकार की कैनोपी स्ट्रक्चर राउंड एंड बुशी दिखाई देती है। जो दूसरे प्रकार का कैनोपी स्ट्रक्चर है वह है दीर्घायत एवं बेलनाकार, यानी कि ओब्लोंग एंड सिलेंड्रिकल। इन वृक्षों की चौड़ाई की अपेक्षा ऊंचाई अधिक होती है। इनका मुख्य अक्ष एकलाक्षी जैसा कि नीटम में और संधिताक्षी बिग्नोनिया में देखा गया है। इसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि लगभग इरेक्ट होती है तथा पार्श्व शाखाएं छोटी व त्रियक आरोही यानी ओब्लिकली ऊपर की ओर जाती हुई होती हैं, अर्थात ये शाखाएं मुख्य अक्ष के साथ न्यून कोण या एक्यूट एंगल बनाती है। इस प्रकार के शाखन से वृक्ष फैले हुए न होकर दीर्घायत व बेलनाकार होते हैं, एग्जाम्पल एट्रोकार्पस या बिग्नोनिया आदि। जो ये डायग्राम है दिस वन, ये है दीर्घायत एवं बेलनाकार वृक्ष का। इसमें इसका जो मेन उदाहरण है वो है एट्रोकार्पस का। इसमें वृक्ष चौड़ाई में न वृद्धि करता करके ऊपर की ओर वृद्धि करता है, यानी इनकी चौड़ाई की अपेक्षा ऊंचाई अधिक होती है। जो तीसरे प्रकार का कैनोपी स्ट्रक्चर है वो है छातानुमा अथवा सपाट शीर्ष। इन वृक्षों का मुख्य अक्ष सदैव संधिताक्ष होता है। मुख्य अक्ष की वृद्धि रुकने पर यह एक ओर झुक जाती है और इनकी ऊपरी सतह से टहनियाँ विकसित होती हैं जो पुनः अनेक त्रियक आरोही शाखाएँ बनाती है। इस प्रकार इन वृक्षों का वितान टहनियों के अध्यारोपित समूह से निर्मित होता है। इस प्रकार का शाखन केशिया का लाक्षणिक गुण है। एल्बिजिया डेलोनिक्स आदि में शाखन मुख्य रूप से कैनोपी की परिधि पर होता है और शाखाएं बहुत कम अतिव्यापित होती हैं। इस प्रकार के शाखन से वितान की ऊंचाई की अपेक्षा चौड़ाई में अधिक वृद्धि होती है, एग्जाम्पल डेलोनिक्स रेजिया यानी गुलमोहर और एल्बिजिया लेबक यानी सिरस और केशिया यानी अमलताश। इस तरह के जो छातानुमा शेप या सपाट शीर्ष वाली जो कैनोपी है वो इन वृक्षों में पाई जाती है। यह चित्र है छातानुमा अथवा सपाट शीर्ष वाला जो कि थेस्पेसिया एक्यूटिफोलिया नामक वृक्ष में भी दिखाई देता है। यह उसी का चित्र है, छातानुमा यानी एक छाते के समान संरचना वाला और सपाट शीर्ष यानी जो इसका टॉप है वो भी फ्लैट है। इसके अतिरिक्त जो चौथे प्रकार का वितान वृक्षों में देखा जाता है वह है शंकुआकार यानी कॉनिकल। इनका
जो कॉनिकल कैनोपी है इसमें स्तंभ प्राय एकलाक्षी होता है। इसमें शाखाएं नियमित अंतराल पर एकांतर सम्मुख अथवा चक्रिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं, यानी लीव्स जो हैं या सॉरी ब्रांचेस जो हैं वो अल्टरनेट होंगी या सम्मुख मीन्स एक दूसरे के अपोजिट होंगी अथवा चक्करदार यानी वर्ल्ड में होंगी, गुच्छे में होंगी, चक्रीय फॉर्म में होंगी। शाखाओं का जो प्रसार है वो क्षैतिज और उकरिया में देखा गया है और त्रियक आरोही प्रकार का थूजा जिसे हम विद्या कॉमन नाम विद्या प्लांट भी कहते हैं, इनमें इस तरह का शाखाओं का प्रसार देखा गया है। और दोनों ही प्रकार की शाखाओं का अमाप मुख्य अक्ष के आधार से शीर्ष की ओर निरंतर छोटा होता है, जिससे वृक्ष की वितान संरचना प्रारूपिक शंकुआकार होती चली जाती है। इनमें पर्वों की लंबाई व शाखाओं के ओरिएंटेशन में भी भिन्नता पाई जाती है। ये जो है यह चित्र है शंकुआकार वृक्ष का, जिसमें एक कोन की भांति वृक्ष की शेप हो जाती है। यह इसलिए होती है क्योंकि जो आधार की ब्रांचेज हैं मेन अक्ष पर लगी हुई वो लंबी होती हैं, और जैसे जैसे वृक्ष ऊपर की ओर वृद्धि करता है ये ब्रांचेज छोटी होती चली जाती हैं और अंततः ये एक कॉनिकल शेप ले लेता है। इसका उदाहरण ओरोकेरिया, पाइनस, थूजा आदि हैं। जो पांचवें प्रकार का कैनोपी स्ट्रक्चर है वह है विपिंग अथवा ड्रूपिंग ट्री। इनका मुख्य अक्ष एकलाक्षी जैसे पॉलीअल्थिया जैसे अशोक का वृक्ष है, अथवा संधिताक्षी ज़िज़िपस जुजुबा यानी बेर वृक्ष में या बेर की झाड़ी में होता है। इसमें शाखाएं कमज़ोर होती हैं और मुख्य अक्ष पर ही झुकी रहती हैं या थोड़े से क्षैतिज प्रसार के बाद उनके शीर्ष की टहनियाँ नीचे की ओर झुक जाती हैं। इस प्रकार झुकी हुई शाखन के कारण ये वृक्ष विपिंग वृक्ष यानी रुदन वृक्ष भी कहलाते हैं। एग्जाम्पल सेलिक्स और पॉलीअल्थिया, ज़िज़िपस जुजुबा यानी बेर, एकेशिया अरेबिका, इनमें सब में इस प्रकार की कैनोपी स्ट्रक्चर पाया गया है। पिछले एग्जाम्स में वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि विपिंग विलो किस वृक्ष को कहा जाता है, तो उसका उदाहरण है सेलिक्स नाम का जो प्लांट है या वृक्ष है उसे हम विपिंग विलो के नाम से जानते हैं, यानी सेलिक्स का जो कॉमन नेम है वो है विपिंग विलो, जो इसकी विपिंग या ड्रुपिंग प्रकार की कैनोपी स्ट्रक्चर को देखते हुए दिया गया है। ये जो चित्र है उसमें ये लटकती हुई ब्रांचेस लिए हुए है जिसके कारण इसका नाम विपिंग या ड्रुपिंग ट्री भी दिया गया है। ये जो प्लांट है वो सेलिक्स का है यानी जिसे हम विपिंग विलो भी कहते हैं। अंत में जो दो प्रकार के कैनोपी स्ट्रक्चर और वृक्षों में दिखाई देते हैं, छठा जो है वो है पैगोडा ट्री। कल्पवृक्ष में इस तरह का जो कैनोपी स्ट्रक्चर है वो देखा गया है। इन वृक्षों का वितान खुला हुआ होता है। इनमें शाखाएं मुख्य अक्ष से चक्रिकाकार क्रम में उत्पन्न होती हैं एवं इसके साथ ही छज्जों की भांति एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं, जो चित्र में दिखाया गया है इस तरह से। यहाँ शाखाएं चक्रिक समान या सर्पिल क्रम में भी विकसित हो सकती हैं और इस प्रकार इसकी शाखाएं एक के ऊपर एक के क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं। और जब इन शाखाओं की वृद्धि धीमी हो जाती है तो इसके सिरे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं, जैसा कि चित्र में बताया है ये जो सिरे हैं ये ऊपर की ओर मुड़ गए और इन शाखाओं के मुड़ने वाले स्थान से ही नई शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ये हर मुड़ाव की जगह से नई ब्रांच उत्पन्न होती चली गई और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। वृक्ष के ऊपरी सिरे की ओर इन शाखाओं की लंबाई कम होती जाती है क्योंकि इनके पर छोटे होते चले जाते हैं, तो इस तरह की ब्रांचिंग से ये छज्जे नुमा स्ट्रक्चर जो है एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक, तो इस कारण से इसका नाम पगोड़ा ट्री या पगोड़ा वृक्ष दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के जो वृक्ष की आकृति है वो बौद्ध मंदिरों की
आकृतियों के समान दिखाई देती है, लेकिन जो बड़े वृक्ष हैं उनकी आकृति छत्राकार होती चली जाती है। एग्जाम्पल एल्स्टोनिया और बॉम्बेक्स, जो सेमल का वृक्ष है उसमें पगोड़ा वृक्ष, या बॉम्बेक्स का जो वृक्ष है उसकी कैनोपी पगोड़ा प्रकार की होती है। जो अंतिम या लास्ट जो कैनोपी स्ट्रक्चर है वो है ताड़ वृक्ष, यानी कि पाम ट्रीज। इनमें मुख्य स्तंभ शाखित होता है और शीर्ष पर पामेटली हस्ताकार कंपाउंड लीव्स का क्राउन पाया जाता है। यानी अगर हम खजूर का उदाहरण लें तो खजूर के शीर्ष पर पामेटली संयुक्त हस्ताकार संयुक्त यानी कंपाउंड लीव्स का जो एक ताज सा स्ट्रक्चर है यानी क्राउन यानी गुच्छा पाया जाता है, और स्तंभ पर प्राय परमानेंटली लीफ स्कार्स पाए जाते हैं। उसके जो तने पर हैं वो लीफ स्कार यानी जब उसकी जो लीव्स गिर जाती हैं तो उसका जो बचा हुआ शेष जो उसका निशान है वह लीफ स्कार कहलाता है। तो इनमें प्राय परमानेंटली लीफ स्कार्स पाए जाते हैं जो इनका एक विशिष्ट लक्षण है। पाम ट्रीज को हम कॉडेक्स यानी इनके स्टेम का इस तरह का स्ट्रक्चर अशाखित स्ट्रक्चर के कारण इसका कॉमन शब्द कॉडेक्स भी दिया गया है। तो कॉडेक्स अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कॉडेक्स तने का एक उदाहरण दीजिए, तो जो ताड़ वृक्ष हैं यानी खजूर नारियल इत्यादि वो पाम ट्रीज या कोडेक्स ट्रीज के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है कैनोपी स्ट्रक्चर इन प्लांट्स वो समाप्त होता है। अगले टर्न पे हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।